हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? बच्चों, कल हमने आपको हिंदी सेकंड का थर्ड चैप्टर यहाँ तक एक्सप्लेन कर दिया था, जिसमें हमने आपको शब्द के रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर रचना के शब्द के भेद बताए थे। आज फोर्थ नंबर पे हम आपको बताएंगे अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। क्लास डेट है हमारी 6 अगस्त 2020, डे थर्सडे है, क्लास 8। तो अर्थ के आधार पर शब्द के बच्चों दो प्रकार होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जिन शब्दों का एक निश्चित अर्थ होता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं, मतलब कि उनका एक अर्थ होता है। और सार्थक शब्दों के भी बच्चों पांच भेद होते हैं। नंबर एक पे एकार्थी शब्द, जिन शब्दों का एक ही अर्थ में प्रयोग होते हैं, जो शब्द जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है तो उनको हम एकार्थी शब्द कहते हैं। और फिर नंबर टू क्या आता है, अनेकार्थी शब्द। तो अनेकार्थी शब्द अनेक अर्थों में प्रयोग किए जाने वाले शब्द, मतलब शब्द तो एक ही होता है लेकिन वो अलग अलग जगह पर हम अलग अलग अर्थ के लिए भी उनको प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया है उदाहरण में कर। अब कर शब्द के कई अर्थ होते हैं, जैसे हाथ भी होता है, कर में हाथ होता है, और कर लगाते हैं ना, टैक्स बोलते हैं इंग्लिश में इसको, टैक्स का मतलब भी कर होता है, एक क्रिया भी होती है ये। तो इस तरीके से इस एक शब्द को हम अलग अलग जगह पर अलग अलग अर्थ के लिए प्रयोग करते हैं, तो इनका मतलब होता है अनेकार्थी शब्द। जैसे कि यहाँ पर अब अर्थ दे रखा है, तो अर्थ का धन भी होता है, प्रयोजन भी होता है, कारण भी होता है, तो इस तरीके से ये अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। फिर नंबर तीन पे आता है पर्यायवाची शब्द, समान अर्थ में प्रयोग किए जाने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, मतलब कि जो शब्द एक समान अर्थ देते हैं, मतलब कि वो दिखने, बोलने में, लिखने में तो अलग अलग होते हैं लेकिन उनका अर्थ एक ही होता है। जैसे पर्वत है, तो पर्वत को हम गिरी, पहाड़, नग, धराधर किसी भी उसमें शब्द में लिखें लेकिन उनका अर्थ एक ही है, इस तरीके से ये पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। इसके बाद आते हैं बच्चों विलोम शब्द। विलोम शब्द का मतलब होता है विपरीत अर्थ में प्रयोग किए जाने वाले शब्द, जैसे कि एक दूसरे के और जो उल्टा अर्थ प्रकट करे, विपरीत अर्थ प्रकट करे, जैसे अंदर बाहर, खूबसूरत बदसूरत, आचार आचार अनाचार, अनेकता एकता, इस तरीके से ये हमारे विलोम शब्द कहलाते हैं। और इसके बाद आता है बच्चों समरूपी भिन्नात्मक शब्द, समान दिखाई देने वाले किंतु भिन्न अर्थ वाले शब्द। सम माने एक जैसे, रूपी समरूपी एक समान रूप वाले, भिन्न अर्थ वाले शब्द, मतलब सुनने में तो वो एक जैसे लगते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है। जैसे अनल, अनल में से होता है अग्नि, और अनिल, अनिल में से होता है वायु। अब यहाँ पे अनल है और ये यहाँ पे ई की मात्रा लगा दी तो ये अनिल हो गया, लेकिन सुन अगर इसको हम बोलेंगे तो एक जैसा लगेगा बोलने में लेकिन इसका अर्थ अलग अलग होता है, इसलिए इनको हम समरूपी भिन्नात्मक शब्द कहते हैं। फिर आता है निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ ना हो, बेकार के जो शब्द होते हैं लेकिन हम उसको अपनी बोलचाल में प्रयोग करते हैं तो उनको हम निरर्थक शब्द कहते हैं। कहते हैं ना पानी वानी पी लो, चाय वाय पी लोगे क्या, तो अब पानी का तो अर्थ है लेकिन वानी क्या होता है, उसका कोई अर्थ नहीं होता। चाय पीने का एक पदार्थ होता है लेकिन बाय वो बेकार का शब्द है लेकिन हम बोलते हैं फिर भी उसको, तो रोटी बोटी, तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो निरर्थक शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों ये था आपका चैप्टर, अब आपको ये घर पे अच्छे से रीड करना है चैप्टर। तो आज के लिए बस इतना ही।